हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजीव कुमार गुप्ता है। दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं अर्निंग सीखो। तो दोस्तों, आपने पिछली बार देखा होगा कि हमने पाइन एप्पल के ये बीज लगाए थे इसके अंदर, जो हमने घर से ही लगाए थे। तो ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। अब हम इसको एक बड़े पॉट में प्लांट करेंगे। उससे पहले मैं आपको अपने व्यूवर्स को ये बताना चाहूँगा कि उससे काफ़ी लोगों ने कमेंट्स करके पूछा है कि आप जो भी लगाते हैं उसका मौसम नहीं बताते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सभी को कि जो भी मैं लगाता हूँ, मैं उसी मौसम में लगाता हूँ जिस मौसम में वो फल आता है, यानी सब्जी आती है। मैं उन्हीं को ही सुखाता हूँ, उन्हीं को ही लगाता हूँ। पपीता भी मैंने ऐसे ही लगाया था, जैसे ही मैं लाया था वैसे ही मैंने पपीते के बीज सुखाए और दो दिन बाद मैंने उसको प्लांट कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी मोटी टहनियाँ हो चुकी हैं इसके, कितना मोटा मोटा टहना हो गया, आप देख सकते हैं। अब हम इसको दबाकर इस पॉट से निकालेंगे और दूसरे पर लगाएंगे। लगाने के लिए मैंने पेंट की एक बाल्टी ली है जो कि मेरे पास पड़ी हुई थी खाली, ये बड़ी है और ये इसके लिए बिल्कुल पर्याप्त है। ये जो बाल्टी मैंने ली है ये पेंट की है और ये इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट बाल्टी है। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, आप देख सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं इसके अंदर मैंने एक घास, सूखी हुई घास का यूज़ किया है। मैं इसके अंदर सूखी हुई घास को यूज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, जिससे कि होगा ये कि हमारी मिट्टी है जो वो कम लगेगी और दूसरा ये कंपोस्ट का काम करेगी। तो अब हम थोड़ा सा गैप बनाएंगे, आप देख सकते हैं गैप किस ढंग से मैंने गैप बनाया है बीच में। दोस्तों, मैं जितनी भी चीज़ें उगाता हूँ वो घर पे ही बीजों से अपने जो फल होता है उसी को सुखा कर मैं लगा देता हूँ और एक डेढ़ महीने में उसके अंदर फल आना शुरू हो भी जाता है। तो ये तो पूछना बिल्कुल बेकार है कि मैं कौन से मौसम में सब्जियाँ लगाता हूँ। तो चलिए, अब आप देख सकते हैं मैंने होल बना रही है। अब इसके अंदर हम उसका मिट्टी निकाल कर उसके अंदर प्लांट करते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने ये प्लांट निकाल लिया है इसके बीच में से और मैं ये इसको ऐसे कैसे ही इसके अंदर प्लांट कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं ये ऐसे कैसे इसमें प्लांट हो चुका है। अब आप देख सकते हैं हमारी आधी बाल्टी भर चुकी है जिसके अंदर आधी से ज़्यादा तो घास ही है। अब मैं दूसरे पॉट से मिट्टी लेकर इसके अंदर डालूंगा। मैं अब एक दूसरे पॉट से मिट्टी ले रहा हूँ और इसके अंदर जो साइडें हैं उसमें ये मिट्टी को डाल दूंगा। मिट्टी मैंने हाथों से इसके अंदर डाल रहा हूँ, अभी स्पेस काफ़ी कम है, आप शायद देख ना पा रहे हो। ये बीज आ गया है इसके ऊपर।
आपने घास को पूरा कवर कर देना है, कहीं से भी खाली नहीं छोड़ना। फ्रेंड इसको अच्छा से आपने कवर करना है जिससे कि वो ढक जाए मिट्टी अच्छी तरह से, घास हमारी। और गमला भी हमारा इसके अंदर फिट हो जाए, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स आप यकीन मानिए जैसा मैं आपको बता रहा हूँ आप वैसे ही करिए, आप देखेंगे कि आप अपने टेरिस गार्डन के अंदर फल इसके अंदर आपको 100% मिलेंगे लगे हुए। अब इसके अंदर एक सबसे बड़ी बात एक और है कि आपको कंपोस्ट लानी नहीं पड़ेगी, इसमें डालनी नहीं पड़ेगी। ये जो इसके अंदर हमने घास डाली है वो कंपोस्ट का ही काम करेगी। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छे से कवर कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये अब अच्छे से कवर हो चुका है, अब हम इसके अंदर पानी छिड़केंगे और इसको रख देंगे एक सेफ स्थान पर। अब जब इस पे फल आएगा तो मेरा नेक्स्ट वीडियो तब आएगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और हाँ दोस्तों मैं आपको फिर बता रहा हूँ एक बार कि अगर आप अपने टेरिस पर छोटा सा गार्डन बनाना चाहते हैं तो मेरे इन वीडियो को देखते रहिए, फॉलो करते रहिए और मुझे आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए बाय दोस्तों।